वेलकम स्टूडेंट्स और विल ऑनलाइन क्लासेस स्टैंडर्ड ईयर मैथ्स इट्स अ योर एक्सरसाइज 3D। स्टूडेंट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी जो नंबर्स गिवन हैं इनको हमको प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, लाइक एज 4096। तो पहले इस नंबर का हमको फैक्टराइजेशन करना है, फिर उससे हमको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो फैक्टराइजेशन के लिए 4096, अब देखिए ये लास्ट नंबर इसका इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर लास्ट इवन है 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसी टाइप से अभी 2 से ये डिवाइड है, ये 2 से ही कंप्लीट डिवाइड हो गया, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। यानी 2 आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टाइम आ रहा है। 2 मल्टीप्लाई 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 2 सिमिलरली 12 टाइम्स आया था। अब स्क्वायर रूट के लिए सेम नंबर्स के हमको पेयर करना होते हैं, इसमें सारे नंबर सेम हैं तो हमको इसका पेयर बनाना है। 2 के 6 पेयर्स बने हैं तो स्क्वायर रूट इसका हो जाएगा, 2 के 6 पेयर बने यानी 2 को हमें 6 टाइम लिखना है और इनकी मल्टीप्लाइज करना है, 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64। योर आंसर इज 64। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 13। फर्स्ट 12 क्वेश्चन आपको केवल स्टेप्स ऑफ फैक्टर्स लेना है, सेम नंबर का पेयरिंग करके उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 13 इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर 252 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। यानी नंबर गिवन है 252, इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हमारा बन जाए, फिर परफेक्ट जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा उसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, सो सेम प्रोसेस है स्टूडेंट, 252 ये जो नंबर गिवन है इसका हमको फैक्टराइजेशन करना है। देखो लास्ट में इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, अगेन 2 से, अबे ऑड है तो 3 से डिवाइड होगा, तो फैक्टर्स इसके आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब हम देखते हैं पेयरिंग, ये देखिए 2 की पेयर बन गया, 3 का बन गया, बट 7 का पेयर नहीं बनना है। तो इस नंबर को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें 7 का भी पेयर बन जाएगा। नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7, तो न्यू नंबर आपका फाइंड हो जाएगा। यानी 252 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें, ये आपका न्यू नंबर फाइंड हो जाएगा। अब इसके फैक्टर्स करके पेयर करके आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इस सेम प्रोसेस है, 2 जो ऊपर पेयर बने हैं 7 का नहीं बनना था, 7 से हमने मल्टीप्लाई किया, 7 का यहाँ पेयर हमने मल्टीप्लाई करके पूरा कर लिया था, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 42 योर गिवन आंसर। सो स्टूडेंट्स इन दिस प्रोसेस यू कैन सॉल्व योर एक्सरसाइज 3D। थैंक्स।